नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूँ आपके साथ मेघा भाटिया। हमारे देश आज़ाद होने के बाद नवाबों का राज था। जी हाँ, नवाबों की एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ उनका खुद का रेलवे स्टेशन, खुद की अदालतें, खुद की बिजली घर, सब कुछ उनका अपना था। 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन नवाबों का राज 2 साल तक रहा। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे नवाबों के बारे में, ऐसे राज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज़ादी से पहले रामपुर में नवाबों का राज था। उनकी अपनी फौज थी, अपना रेलवे स्टेशन, अपना बिजली घर, अपनी अदालतें, यानी कि सब कुछ अपना था। देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन रामपुर के नवाब 2 साल तक राज करते रहे। रामपुर में 1974 से 1949 तक नवाबों का राज रहा। नवाब फैजुल्ला खां पहले और राजा अली खां आखिरी नवाब थे। फैजुल्ला खां 1774 में रामपुर नवाब बने। इनके बाद मोहम्मद अली खान, गुलाम मोहम्मद खान, अहमद अली खान, मोहम्मद सैद खान, यूसुफ अली खान, कल्ब अली खान, मोहम्मद मस्ताक अली खान, हामिद अली खान और राजा अली खान नवाब बने। जब नवाबों के घर बच्चे पैदा होते थे, तब तोप के गोले दागे जाते थे। रामपुर के नवाब की देश भर से राजघरों में भी बड़ी अहमियत थी। वे जब बाहर जाते तो उन्हें दूसरे राज्यों में 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। नवाब खानदान में जब बच्चे पैदा होते थे, तब भी तोप के गोले दागे जाते थे। बेटा पैदा होने पर 21 और बेटी पैदा होने पर 11 गोले दागे जाते थे। इसी से जनता को पता लगता था कि नवाब खानदान में खुशी हुई है। नवाबों की बेशुमार दौलत थी, जिसका अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंटवारा हो रहा है। नवाब खानदान की संपत्ति 1073 आकड़ में फैली हुई है। कोठी खासबाग का इलाका ही इतना बड़ा है कि इसमें एक और शहर बस सकता है। कोठी का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने कराया था। कोठी खासबाग और किला नवाबों की शान रहा है। अकेली कोठी खासबाग का एरिया 450 एकड़ है और सिविल लाइन क्षेत्र में है। यह देश की पहली फुली एयर कंडीशनर कोठी है। इसमें 250 कमरे हैं, सिनेमा हॉल समेत बड़े कई हॉल हैं। इस कोठी का निर्माण 1930 में नवाब हामिद अली खान ने कराया था। कोसी नदी किनारे बनी इस कोठी के चारों ओर बाग हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगे हैं। यूरोपीय इस्लामी शैली में बनी इस कोठी में नवाब का ऑफिस, सेंट्रल हॉल, सिनेमा हॉल व संगीत हॉल भी बना है। सेंट्रल हॉल में बेशकीमत पेंटिंग लगी है। कोठी में मुख्य द्वार पर गुबंद बने हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसकी सीढ़ियाँ इटालियन संगमरमर से बनी हैं। इसके बड़े बड़े हॉल बर्माटिक और बेलिजियम ग्लास के झूमर से सजाए गए हैं। आपको बताते हैं कि जब नवाब के घर में बड़ा बेटा होता था, देश की पहली फुली एयर कंडीशन कोठी नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां की पत्नी पूर्व सांसद बेगम नूर बानो बताती हैं कि यह देश की पहली फुली एयर कंडीशन कोठी है। कोठी में बर्फ खाना बनाया गया। इसमें लोहे के फ्रेम में बर्फ की सिल्ली रखी थी। इनके पास में 2 मीटर से भी बड़ी साइज के पंखे लगे थे। पंखों को चलाने के लिए 150 हॉर्स पावर की बिजली मोटर लगाई। पंखों की हवा बहुत तेज निकलती थी, जो बर्फ की सिलियों से होकर कोठी के कमरों में जाती। कमरों तक हवा पहुंचने के लिए पूरी कोठी के नीचे 2x2 फीट की पक्की नाली बनाई गई। इस सेंट्रल नाली से कमरों के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई गईं। इन नालियों के मुंह पर फ्रेम लगाए गए। इनसे ज़रूरत के मुताबिक ही हवा निकलती थी। इस सीमेंट की देखरेख के लिए इंजीनियरों की पूरी टीम थी, लेकिन अब वह सिस्टम जंग खाकर बर्बाद हो चुका है। मुजरता अली खान के बेटे मुराद मियां व बेटी निगहत आबदी ही काबिज थे। दरअसल राज परंपरा के मुताबिक बड़ा बेटा ही नवाब की सारी संपत्ति का हकदार होता है। नवाबी खत्म होने पर खानदान के दूसरे सदस्यों ने बंटवारा राज परंपरा के बजाय शरीयत के हिसाब से
करने की मांग करते हुए 1972 में कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से ही बंटवारा करने का आदेश दिया। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी है और उन्हें ये काम दिसंबर 2020 तक पूरा कराना है। इसके लिए जिला जज ने चल और अचल संपत्ति के सर्वे में मूल्यांकन के लिए अलग अलग एडवोकेट कश्मीर नियुक्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।